मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। When universal timings and our timing are different, that doesn't mean that things aren't working. Trust the process. नमस्ते, मैं श्रेयस बड़ी है, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से लेक्चर नंबर 14 पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम द मुगल्स में से जो सेकंड रूलर है जिनका नाम है हुमायूं, उन्हें हम स्टडी करेंगे। हम फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी फर्स्ट जो रूलर थे जिनका नाम था बाबर, उन्हें स्टडी कर चुके हैं। सो अब हम हुमायूं को स्टडी करेंगे, और ये लेक्चर में मैं जितनी चीजें आपको बताऊंगा उतनी ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। सो इसे अच्छे से और कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा। If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel. And this is my YouTube channel. So, यहाँ आपको जिनकी पिक्चर देखने मिल रही है, जिनकी इमेज देखने मिल रही है, ये हुमायूं। हुमायूं जो थे, ये सेकंड रूलर बन जाते हैं मुगल एम्पायर के, और यहाँ से हम इन्हें स्टडी करेंगे। और हम इंपॉर्टेंट चीजें जो स्टडी करेंगे उसमें सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हुमायूं जो थे उनका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद। सो नसीरुद्दीन मोहम्मद इनका नाम हुआ करता था, और जब ये यहाँ पे मुगल एम्पायर बनते तो ये अपना नाम हुमायूं रखते। सो हुमायूं नाम से ये यहाँ पे रूलर बनते, और इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है नसीरुद्दीन मोहम्मद। सो यहाँ पे रूल में आपको देखने मिल रहा है कि 1530 से 1540 तक और 1505 से 1556 तक, ऐसे दो टाइम पे इन्होंने रूल किया, ये दिख रहा है, और बीच में कुछ आपको गैप दिख रही। ये जो गैप थी इसमें सूर्य एम्पायर ने रूल किया था। हम अगले लेक्चर में शेरशाह सूरी या फिर सूर्य एम्पायर को भी स्टडी करेंगे। सो यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सूर्य एम्पायर आएगा बीच में। सो ये क्या हुआ क्या नहीं, ये हम अभी स्टडी करते। सो ये सबसे पहले हुमायूं जो थे, ये बाबर के बेटे थे, वो सन ऑफ बाबर। ही फॉट टू बैटल्स, ये बैटल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं, अगेंस्ट शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के साथ दो बैटल लड़े थे। शेरशाह सूरी भी इंडिया पे रूल करना चाहते थे, तो मुगल जो थे उनको हरा के ये अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करना चाहते थे शेरशाह सूरी, और इन्होंने इन दोनों के बीच में कुछ बैटल्स भी हुए। और बैटल्स जब हुए तो फर्स्ट जो बैटल था वो चौसा में हुआ। चौसा कहाँ पे, तो बैंक ऑफ गंगा, तो गंगा रिवर के किनारे चौसा करके जो जगह है वहां पे, बक्सर के पास ये आती है। इन 1539 ये बैटल लड़ते शेरशाह सूरी के साथ। अगला बैटल ये जो लड़ते ये कन्नौज में लड़ते हैं। कन्नौज कहाँ पे, तो 200 किलोमीटर ईस्ट ऑफ आगरा में हमें कन्नौज देखने मिलता है, और ये बैटल लड़ा जाता है 1540 में। हुमायूं जो थे ये इन दोनों बैटल में कम्प्लीटली डिफिट हो गए, कम्प्लीटली हार गए। हुमायूं वॉज डिफिटेड, और यही एक कारण बना कि शेरशाह सूरी का एम्पायर यहाँ से, जो रूल था वो यहाँ से शुरू हुआ, और सूरी एम्पायर एस्टेब्लिश हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं तो 1530 से 1540 के बीच में यहाँ हमें देखने मिल रहा है एक रूल था, और 1539 और 40 में एक दो बैटल्स लड़े गए, और 40 के बाद ये हार गए पूरी तरह, इसलिए यहाँ पे सूर्य एम्पायर आ गया। हुमायूं हार जाने के बाद सफाविद एम्पायर जो था वहां पे, जो पर्शिया में हुआ करता था, तो सफाविद एम्पायर क्या, आपको बहुत ज्यादा कोई डरने की जरूरत नहीं है। सफाविद एम्पायर हमारे हिस्ट्री में तो नहीं आता है, बट मैं आपको ये बता दूं कि पर्शिया के हिस्ट्री में, पर्शिया या फिर ईरान हम जैसे कहते हैं, ईरान पे ये रूल किया करते थे, ये जो एम्पायर था ये, तो पर्शिया आज प्रेजेंट डे ईरान है, और ईरान पे यहाँ रूल किया जाता था पर्शिया यानी, तो यहाँ का एक एम्पायर था जिसे सफाविद एम्पायर कहा जाता है। सफाविद एम्पायर को हम सफाविद ईरान भी कहते हैं, या फिर सफाविद पर्शिया भी कहते हैं। तो ये जगह थी सफाविद पर्शिया, सफाविद ईरान, और यहाँ पे जो रूल करते थे वो थे सफाविद एम्पायर। तो हुमायूं जो था ये यहाँ से इंडिया से चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें हार चुके थे, तो इन्हें कहीं पे तो भी रिफ्यूज होना था, तो इन्हें जो रिफ्यूज मिलता है ये मिलता है सफाविद एम्पायर के पास, ये शरणार्थी हो जाते हैं। तो यहाँ जाने के बाद वो उनके यहाँ रुकते हैं, और धीरे धीरे शेरशाह सूरी जो थे उनके आगे जाके डेथ जब हो गई 1545 में, उसके बाद सक्सेसर जो बने वो शेरशाह सूरी के बेटे थे। इंडिया में जो रूल चल रहा था सूरी एम्पायर का, उसमें इस्लाम शाह उनका नाम था, और इस्लाम शाह की भी डेथ हो गई 1554 में। अब क्या हुआ देखिए, 1540 में जो हुमायूं थे ये चले जाते हैं, 1545 में डेथ हो जाती है शेरशाह सूरी की। एक तरह से बहुत स्ट्रांग रूलर जो था उसकी डेथ हो चुकी थी, बट उनका जो बेटा था वो भी काफी स्ट्रांग निकला, जिसका नाम था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह भी काफी स्ट्रांग निकला, बट इस्लाम शाह 54 में उसकी डेथ हो जाती है। अब 1554 में डेथ होने के बाद फिर से अकबर के जो हुमायूं थे उनके रास्ते खुल गए कि वो इंडिया में मुगल एम्पायर को रीएस्टैब्लिश कर सकते थे, क्योंकि आने वाले जो सक्सेसर थे वो थोड़े से वीक थे, और काफी पार्टीशन होने लगे सूर्य एम्पायर के, इनके आपस में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो सब होने लगे, और शेरशाह जो सूर्य एम्पायर था ये डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट जब कोई भी एम्पायर हो जाता है तो आप जानते हैं कि वो जितना स्ट्रांग था वो टूट जाता है ना, तो जैसा हमें पता है यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, तो डिवाइड जब हो गए तो हम हारने लगते हैं। सो यहाँ पे यही हुआ कि डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया। डिसइंटीग्रेट होने के बाद हुमायूं ने इसका एडवांटेज ले लिया है ना, सो हुमायूं टुक द एडवांटेज ऑफ दिस इवेंट एंड ही प्लेस्ड हिज आर्मी अंडर बैरम खान। बैरम खान करके जो थे जनरल इनके आर्मी के, वो काफी स्ट्रॉन्ग जनरल माने जाते थे, उन्होंने अपनी आर्मी बैरम खान के अंडर रख दी, और आगे जो हुआ
वो ये होना था कि अब फिर से मुगल एम्पायर का एम्पायर जो था ये इंडिया में एस्टैब्लिश होने वाला था, री एस्टैब्लिश होने वाला था। सो एट द बैटल ऑफ सरहिंद, नाम याद रखिएगा बैटल का, द बैटल ऑफ सरहिंद, जो कि 22 जून 1555 में लड़ा गया था। सो किसके साथ? तो सिकंदर शाह सूरी जो थे उनके साथ, जो कि सूरी एम्पायर के रूलर हुआ करते थे, और उनके वर्सेस यहाँ पे दूसरे थे मुगल। मुगल में हम कहेंगे कि वो थे हुमायूं। अब इन दोनों के बीच में ये बैटल जब लड़ा जाता है, सो बैटल लड़े जाने के बाद मुगल ने सक्सेसफुली सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया, और यहाँ पे इंडिया में मुगल रूल वॉज री एस्टैब्लिश। ये आपको याद रखना है 1555 से, इसीलिए अभी आपको यहाँ पे जो डेट देखने मिलती है वो 55 से, बट 56 तक क्यों? क्योंकि 56 में इनकी डेथ हो गई थी हुमायूं की, इसीलिए इनका रूल वहां तक ही चला। हुमायूं की डेथ हुई 1556 में, किस तरह से आपको बता दूं कि हुमायूं ये थोड़ा अलग सा एक इवेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हालांकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है, बट आप इसे सुनेंगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। हुमायूं की एक आदत थी कि जब भी अजान होती थी, नमाज के पहले अजान होती है, अजान होने के बाद वो अपने जो नीज होते हैं उसको बेंड करते थे, उस पर वो एक तरह से हम देखते नीज को बो करते थे, या फिर हम कहेंगे कि नील करते थे। तो नील जब वो कर रहे थे यहाँ पे, अब यहाँ कैसा हुआ कि ही वॉज यानी वो नील कर रहे थे यहाँ, और यहाँ मेनली क्या होता है कि जब वो स्टेयर से उतर रहे थे अपने लाइब्रेरी की, जो कि दिन पनाह में थी, उसके स्टेयर से उतर रहे थे, है ना। सो ही वॉज डिसेंडिंग द स्टेयर केस, और यहाँ उतरते वक्त उनके हाथ में काफी सारी किताबें थी। किताबें होने के बाद वहां से अजान हुई, अजान होने के बाद उन्होंने अपने जो नीज थे उन्हें बो किया, वो बो करते ही उनका जो रोप था उसमें उनका पैर जो था वो फंस गया और वो गिर गए, और वो गिरने के बाद स्टेयर से वो काफी इंजर हो गए, और इंजर होने के जब उनपे जो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रही थी वो 3 दिन तक चली, और 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। सो हुमायूं डाइड इन ईयर 1556। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है किस तरह से उनकी डेथ हुई, और यहाँ पे हुमायूं का रूल तब तक ही चल पाया 1556 तक, बिकॉज रीजन था कि उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि ही वॉज बरीड एट दिल्ली, दिल्ली में ही उनका टूम्ब बनाया गया, हुमायूं का टूम्ब बनाया गया, और हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में ही बनाया गया, टूम्ब बनाया गया। आप देख सकते हैं दिल्ली में काफी बड़ा टूम्ब है एक तरह से अगर देखा गया तो। उसके बाद उनके जो बेटे थे जिनका नाम था अकबर, अकबर वॉज वेरी यंग, ही वॉज माइनर जब इनकी डेथ हो जाती है, तो अकबर ने ये किंगडम संभाला था, बट वो माइनर होने के कारण उनके रिजेंट बने थे वो थे बैरम खान, अंडर बैरम खान अकबर ने ये थ्रोन जो है वो संभाला था, ये आगे हम पढ़ेंगे। बट अकबर जब रूलर बनते तो अकबर ने अपने आंटी से, है ना, आंटी जो है उनकी यानी उनकी बुआ कह सकते हैं अकबर की, जिनका नाम था गुलबदन बेगम, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप जो हमारे फादर थे उनकी एक बायोग्राफी लिखिए। तो उनकी उनकी जो आंटी थी यानी गुलबदन बेगम यानी सिस्टर, किसके सिस्टर, तो हुमायूं के सिस्टर गुलबदन बेगम और अकबर की आंटी गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं नाम की बायोग्राफी लिखी जो हुमायूं थे उनकी, और ये बायोग्राफी से हमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द लाइफ ऑफ हुमायूं। सो इतनी चीजें ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन रूलर के बारे में जिनका नाम था हुमायूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये मोर देन इनफ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई। यहाँ पे बैटल्स अच्छे से याद रखिएगा, उसके साथ साथ कुछ मैंने जैसे हुमायूं नामा या फिर दिन पना उनका कैपिटल भी हुआ करता था, सेकंड कैपिटल हुआ करता था जो दिल्ली में ही आता है ना। सो आज तो दिल्ली में ही आपको देखने मिलता है, तो दिल्ली से काफी नजदीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि दो और बैटल जिसके कारण वो शेरशाह सूरी के हाथों हार गए थे। सो ये चीजें आपको याद रखने जैसी है, बस इतना आपको चीजें याद रखनी है इस हुमायूं जो है रूलर उनके बारे में। अगले जो हम रूलर को पढ़ेंगे वो रहेंगे शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी को लेके हम पूरा सूरी एम्पायर पढ़ेंगे, उसके बाद हम अकबर को पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से हमारे अभी आगे जो लेक्चर होगा उसमें हम सूरी एम्पायर को स्टडी करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हुमायूं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करते रहे, लाइक करने में कोई कंजूसी ना करे, है ना, तब मैं बहुत आपके लिए नई नई सीरीजेस और लाने के सोचते रहता हूँ। तो उसके साथ साथ शेयर भी करते रहे और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फॉलो और लाइक कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेजेस को श्रेयस बड़ी और श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बड़ी द पीस लवर ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, और श्रेयस बड़ी @gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।